नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसन सिग्नल कम स्किनर बना है उसी का थ्रू मैं आप लोगों को जो रेगुलर व्यू देता हूँ वो सोमवार के लिए, मतलब 3 फरवरी 2020 के लिए मैंने स्टॉक्स चुना है। तो उसका लेवल देखूँगा, इक्विटी, कमोडिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर्स, बाई लेवल एंड सेल लेवल दिखाऊंगा। उसके बाद रिसेंट अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, 100 डे ईएमआई स्ट्रेटेजी, इनर फोर एन एस एल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जो भी देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो कि मैंने रेगुलर बता देता हूँ वो भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग को बहुत सारे चार्ट का सेटअप, स्ट्रैटेजीज मिल जाएगा जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ट्रेड करने के लिए। और ये जो इस फाइल में क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है, और ये वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा। और इसमें मैंने ये फाइल मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा फाइल शेयर करता हूँ, वो भी आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। फ्री ट्रायल के लिए आप लोग ज्वाइन हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग कर सकते हैं आप लोग, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें, देखिए मैंने बाय लेवल सेल लेवल तीनों बाय लेवल सेल लेवल दे देता हूँ, बाय लेवल सेल लेवल 1, बाय लेवल सेल लेवल 2 और बाय लेवल सेल लेवल 3, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकता है। तो देखिए मैंने ये तीन स्टॉक्स चुना है स्क्रीनिंग करके। तो बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है। सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहेगा। और गैप अप और गैप डाउन में परफॉर्मेंस वाला वीडियो देख सकते हैं, कैसे इसको ट्रेड गैप अप गैप डाउन कंसिडर कर ले सकते हैं। तो आप लोग को बता देता हूँ कि इधर मार्केट में ओपन होने के बाद सोचिए 299 के ऊपर, सोच लीजिए 300 के आसपास है, क्या 301 समथिंग रहेगा। तो ये टारगेट के लिए आप लोग एंट्री ले सकता है, और नहीं तो इसका नज़दीक रहेगा तो ये क्रॉस होने के बाद, ये लेवल क्रॉस होने के बाद इस लेवल के लिए आप लोग एंट्री ले सकते हैं। ऐसा करके आप लोग को समझ लेना पड़ेगा। उसके बाद ये है बाइसन लेवल 2, इसको भी आप लोग यूज़ कर सकता है, बाइसन लेवल 2। उसके बाद बाइसन लेवल 3, इसमें बहुत सारा इंडिकेटर है, इसके बाद आप लोग स्क्रीनिंग कर सकता है। ये है बाइसन लेवल 3, वैसा लेवल 3 का R1 का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, और S1 बीच R1 बाई का एंट्री लेवल R1 है और सेल का एंट्री लेवल S1 है। और ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट है भी, आप लोग को बाई एंट्री सेल बाई या सेल एंट्री के लेवल पर यूज़ कर सकता है। मिडियर बैंड का अपर बैंड, मिड बैंड, लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है। प्राइस चैनल का अपर बैंड, मिड बैंड का, लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, क्योंकि ये आप लोग का एंट्री पॉइंट हो सकता है। और इसके अलावा TW लेवल जो है इसका टॉप लाइन, मिडिल लाइन और बॉटम लाइन का वैल्यू आप लोग नोट कर सकते हैं, ये भी एंट्री पॉइंट हो सकता है। इसके बाद मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन दिखाऊंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा, बाई लेवल से लेवल के अनुसार दिखाऊंगा। और आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रैक कर, लाइव मार्केट में ट्रैक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप लोग इसको देख सकते हैं, बाई लेवल से लेवल 1 कोई भी एक को आप लोग देख सकते हैं, बाई लेवल से लेवल 2 और बाई लेवल सेल लेवल थ्री। उसके बाद ये है बाई सेल लेवल 3, ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, सभी स्टॉक के लिए। और ये आप लोग नोट कर सकता है, सभी स्टॉक्स, कमोडिटी, जस्ट कोई भी स्क्रिप्ट के लिए पिवट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद मैंने कमोडिटी तो दिखाऊंगा, कमोडिटी का वाई लेवल सेल लेवल 1, सेल लेवल 2, उसके बाद वाई लेवल सेल लेवल 3, या वाई लेवल सेल लेवल 3 स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, फुल इंजन बैंड, प्राइस चैनल, ग्राउंड लेवल आप लोग चार पास करके देख लेंगे, क्योंकि मैंने अभी वो सारी चीज़ दिखाना है इसलिए दिखा देता हूँ। यह है सेल लेवल 1, सेल लेवल 2, बाइसन लेवल 3 पिवट पॉइंट, लेवल, उसके बाद कुछ फ्यूचर्स का दिखा देता हूँ, बाई लेवल्स और बाइसन लेवल 1 में का देता हूँ,
मैंने 100 यूनिट पर स्ट्रैटेजिक कौन सा कौन सा स्टॉक्स में फॉर्म हुआ है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। ए सी सी में बनाया है तो ए सी सी को जो 100 डे मूविंग एवरेज का आज के कैंडल पे काट के आए तो इसका जो हाई लो जब तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट दे सकता है। तो मैंने इधर चार्ट में भी आप लोग को दिखा देता हूँ ए सी सी को दिखाने के बाद मैंने इसको सब हटा के 100 डे एवरेज लगा था। इसको काट किया है ये जो स्टॉक्स को काट करता है 100 डे मूविंग एवरेज उसका जब हाई लो ब्रेक होता है तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो ये इसका स्ट्रैटेजी है जैसे इसमें फॉर्म हुआ है ये अंबुजा सेल में भी फॉर्म हुआ है मुझे सुन इसको काट के हाई इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। और एक्सिस बैंक काट के हाई इसको भी अब हाई लो जब ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। इसके अलावा अभी आप लोग चेक आप लोग खुद चेक कर ले सकता है इसमें एक्सिस बैंक हो गया। इसके बाद ये सब स्टॉक्स आप लोग देख सकते हैं सेंचुरी टेक्स का इसके बाद मैंने एशियन डबा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दिखाते हैं जैसे कौन से स्टॉक्स हैं वहाँ एशियन डबा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बाद लास्ट में स्कोर्स को वन डे का सबसे एशियन तक बनाना है देखिए आज का जो है मंडे का फॉर्म हुआ है क्या मंडे का भी फॉर्म हुआ है तो का इसका कैंडल का ये अंदर जा गया तो इसलिए इसका दिक्कत है ये इसमें अंडे का फॉर्म हुआ है। इसके बाद गोदरेज सिटी में नेटवर्क फॉर्म हुआ है और मतलब आज का जो हाई लो हुआ है वो पिछले 3 कैंडल का जो हाई लो हाई लो का डिफरेंस है वो आज का हाई लो का डिफरेंस सबसे कम है तो इसीलिए इसका इनर फोर हुआ है। इसका हाई लो जब तोड़ेगा पैरवी कैंडल का तो आपको ट्रेड लेना है और अच्छे प्रॉफिट बन सकता है। और क्या फॉर्म हुआ है वन डे का सब वीडियो छोड़ दीजिए छोटा स्टॉक्स है जी फूड में इनर फोर हुआ है। इधर यूनाइटेड टेक में इनर वन डे का सबसे भी हुआ है और इनर फोर भी हुआ है टेक इसका देखिए ये जो आज का कैंडल है ये आज का कैंडल है इसका अंदर रह गया और इनर फोर भी हुआ है। मिट्टी कम्युनिटी में कुछ कैमिस्ट्री फॉर्मेशन हुआ है अच्छा और भी कैमिस्ट्री फॉर्मेशन हम लोग को दिखाना चाहते हैं तो देखते हैं इधर कुछ फॉर्मेशन है क्या नहीं हुआ आर आई है टू जी लेवर आई है ये जी ऐसे इसमें कुछ नहीं हुआ है पॉजिटिव है।